गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर गुड. नाउ क्लास, वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 1.1 ऑफ इंटीजर. ओके, मैंने आपको एक्सरसाइज की क्लिक फोटो भेजी थी, शायद आप लोगों ने लगाई भी होगी. आज हम वही उन्हीं क्वेश्चंस को, सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और आप जो भी जितने भी सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस, अपने आप क्वेश्चंस को टैली कर लीजिए. ओके, तो पहला क्वेश्चन था, सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन. एक नंबर लाइन गिवन थी, उसमें कुछ मार्क दिए हुए, जैसे -18, -9, 0, 8 और 12. बाकी के सारे नंबर्स पे कुछ डॉट गिवन थे, उनको मार्क करना था, ठीक है ना? ऐसे हमने, तो इनमें से पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ था, राइट दीज इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. तो आपको जो नंबर ये हमने पेंसिल से लिख रखे हैं, आपकी जो क्वेश्चन एक्सरसाइज की क्वेश्चन थी, उसमें सारे नंबर्स लिखे हुए थे. इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब क्या था? जितनी भी छोटे से बड़े की तरफ, तो -18, -9, -4, 0, 3, 8, 12, ये आपका होगा असेंडिंग ऑर्डर. आपको आपको हम बता दें कि नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, मतलब -18 छोटा होगा -9 से, ठीक है? ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया. सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछा था, राइट दीज इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट अपोजिट, मतलब बड़े से छोटे की तरफ, तो 12, 8, 3, 0, -4, -5 एंड -18. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें था, फ्यू डॉट्स हैव बीन मार्क्ड ऑन द अबव नंबर लाइन, राइट द अप्रोप्रिएट इंटीजर्स एट ईच डॉट. तो इसमें से कुछ डॉट छूटे हुए थे, तो उन डॉट को हम, जो ये नंबर गिवन थे क्वेश्चन में, उनकी हेल्प से क्या करेंगे, नंबर्स को लिखने की कोशिश करेंगे. तो आप देखिए, 18 यहाँ पे था, 18 से जस्ट पहले एक डॉट था, तो -18 था, -18 से पहले क्या आएगा, -17 आएगा, 16, ऐसे करके हमने सारी नंबर लाइन को कंप्लीट कर लिया है. तो अपने आप ही डॉट आ गए, जैसे फर्स्ट वाला डॉट -17, सेकेंड डॉट -14 पे आया है, फिर -11 पे आया है, -7, 5, -3, 1, 7, 9, 11. लिख लीजिए. तो सिमिलर आंसर हमने इस नंबर लाइन को आप कंप्लीट कर लेंगे, जो बीच में नंबर दिए थे, बीच में डॉट गिवन थे, उनको डॉट के सारे नंबर हमने लिखे, -17, 14, 11, 7, -5, -3, 1, 4, 7, 9, 11. अगर आपको समझ में कुछ भी नहीं आता है तो आप ग्रुप पे मैसेज करेंगे, ठीक है ना, कौन सा क्वेश्चन नंबर आपको समझ नहीं आया. तो मैं मैम से आपका लेके क्वेश्चन नंबर मैं दोबारा भी डिस्कस करूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका, वो था अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स इज गिवन बिलो. इसमें भी नंबर लाइन गिवन थी, तो देखिए नंबर लाइन इसमें क्या था, इसमें कुछ इंग्लिश अल्फाबेट गिवन है, A to O, ठीक है ना, और इसमें से ई और एफ की प्लेस वैल्यू गिवन थी -3, -2. बाकी सारे की सारी प्लेस वैल्यू हमें पता करनी थी. तो आपको पता है -3, -2, तो इसके बाद अगर राइट साइड जाएंगे तो आपका -1 आएगा, फिर 0 आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. और -3 से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इधर नंबर क्या होगी, डिक्रीज होगी, मतलब -4, -5, -6, -7. समझ आया ना? बाकी क्वेश्चन में यही था कि बाकी सबकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो आपको हमने ये सॉल्व कर दिया. तो आप किसी की प्लेस वैल्यू बता सकते हैं, एम की प्लेस वैल्यू 5, एन की प्लेस वैल्यू 6. ओके, साहब की प्लेस वैल्यू आपको पता चल गई. नेक्स्ट हमारा आंसर क्वेश्चन था, अरेंज -7, -5, सॉरी 7, -5, 4, 0 एंड -4 इन असेंडिंग ऑर्डर, मार्क देम ऑन द नंबर लाइन टू द चेक योर आंसर. इन्हें आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आपको पता है -5, -4, 0, 4, 7, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर होगा. ऐसे नंबर लाइन में भी ड्रॉ करना, तो आप ऐसे नंबर लाइन में ड्रॉ कर दीजिए. कैसे? पॉजिटिव हमारा 7 था और निगेटिव -5 था, तो हम पहले 0 ड्रॉ करेंगे, 0 से राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, तो +7 था, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखी हमने, और इस तरफ -5 तक था, तो -1, -2, -3, -4, -5, और हमें जो ये नंबर गिवन है उनको डॉट कर देना है. -5 वो हमारे पास है, तो -5 पे डॉट लगाएंगे, 4 था, 4 पे डॉट लगाया. उसके बाद में हमारा 0 पे था, तो 0 लिखेंगे, 4 पे डॉट लगाएंगे, 7 पे डॉट लगाएंगे. क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है फिर इसका, फोर्थ का क्वेश्चन में क्वेश्चन आपके पास है, वहां से आप देख सकते हैं. जैक नाम का एक व्यक्ति होता है, जो कुछ शायद वो कॉम्पिटिशन या मैच किया, जो भी कुछ खेलता है, तो स्कोर करता है 5 उसने सक्सेसिव राउंड खेले हैं, कोई गेम खेलता है,
जब वो जीतता है तो उसको प्लस में मार्क्स मिलते हैं, जब वो हारता है तो माइनस में मार्क्स मिलते हैं। मतलब एक राउंड में उसको 25 मार्क्स मिले प्लस में, दूसरे राउंड में -5 मार्क्स मिले, फिर तीसरे राउंड में -10, और चौथे राउंड में 15, और पांचवें राउंड में +10 मार्क्स मिले। तो सबको आप सिंपली ऐड कर लीजिए। तो आपको मैंने कल बताया था प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है। माइनस, जब भी ब्रैकेट से बाहर ब्रैकेट लगा हो, निगेटिव नंबर कभी भी सिंगल नहीं लिखते, ब्रैकेट में ही हमेशा लिखते हैं। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस। अब यहाँ देखिए 15 और 10 को ऐड करेंगे 25 होगा, 25 में 25 ऐड करेंगे 50, माइनस माइनस ऐड होता है, साइन माइनस कर रहता है, तो ये आपको -15 हो गया। 15 50 में से 15 से ऐड करेंगे 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्वेश्चन है, मैं फिर दोबारा रीड कर देता हूँ आपके लिए। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूजडे। वॉट वॉज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूजडे? ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस, वॉट वॉज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा श्रीनगर का टेम्परेचर गिवेन है इसमें। ठीक है बेटा, तो इन्होंने कहा है कि मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर -5 रहता है, जो सेकेंड डे मंडे के बाद ट्यूजडे आता है, ट्यूजडे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है ना? तो टेम्परेचर आपका ट्यूजडे क्या होगा, -5 -2, 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस के लिए उसमें क्या होता है, -2 हो जाएगा, तो -7 डिग्री सेल्सियस हो गया ट्यूजडे को। नेक्स्ट डे इन्होंने बोला है कि वेडनेसडे को टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रोज होता है, मतलब इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे कितना हो जाएगा, -7 ये हो गया था, प्लस इसमें रोज होगा तो +4 करेंगे तो माइनस, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस का साइन आ जाएगा, लार्जर नंबर का साइन होता है, तो ये नंबर लार्जर है इसलिए -3 आया। ओके, यहाँ पे आपका क्या हुआ था, माइनस माइनस ऐड होता है, साइन माइनस कर रहा था इसलिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है आज का, अ प्लेन इज फ्लाइंग ऑन द हाइएस्ट हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल एट द पर्टिकुलर पॉइंट, इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? हमें प्लेन और सबमरीन की वर्टिकल डिस्टेंस बतानी है। तो ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करी है, ये C1 में बना दिया है। यहाँ पे सबमरीन है, सी लेवल ये आपका हो गया, सी लेवल से सबमरीन 1200 मीटर बिलो है, और जो प्लेन है सी लेवल से 5000 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। तो बताना हमें यह है कि प्लेन और सबमरीन के मिड का डिस्टेंस क्या होगा। तो हाइट ऑफ द प्लेन 5000 मीटर और हाइट बिटवीन सी लेवल एंड सबमरीन, सी लेवल और सबमरीन के बीच की डिस्टेंस 1200। तो दोनों वर्टिकल डिस्टेंस प्लेन और सबमरीन के बीच में क्या होगी, 5000 या और 2000 1200, ठीक है ना? ये दोनों ऐड कर देंगे तो ये हमारी जो है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन टू सबमरीन आ जाएगी। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मैसेज करेंगे, फिर हम आपको दोबारा करेंगे। ओके, थैंक यू।